हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी केमिस्ट्री वाली क्लास में। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं सीटेट। सीटेट एग्ज़ाम हमारा होने वाला है और इस एग्ज़ाम को बिना पढ़े कैसे पास करें। तो बिना पढ़े का मतलब ये तो है नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, बिना पढ़े से ये है कि आपने बीएड किया हुआ है, किसी ने बीटीसी किया है, उसमें तो आपने पढ़ी है। तो अब ये आप कुछ टिप्स बताऊंगी मैं, किससे जिससे कि आप इस टाइम आप नहीं पढ़ पाए तब भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बुक बता दूँ, अरिहंत की बुक ले लीजिएगा आप, अरिहंत की ले लीजिएगा, और अरिहंत का जो प्रैक्टिस सेट आता है वो ले लीजिएगा। कम से कम प्रीवियस ईयर के 6 सेट आप सॉल्व कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, प्रीवियस ईयर के 6 सेट सॉल्व करने से आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के सेट होते हैं लगभग उसी के अनुसार पेपर आता है। हमेशा देखिए सीटेट जो होता है अपना पैटर्न कभी नहीं चेंज करता है, उसका पैटर्न वैसा ही रहता है। इसलिए मैथ का सिलेबस देख लेंगे तो आप जब मैथ का सिलेबस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मैथ में टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो उसी टॉपिक के अनुसार आप मैथ तैयार कर लेंगे जो 15 नंबर की आती है, और हिंदी, ठीक है। हिंदी में क्या है, हिंदी का ये है 15 नंबर में कम से कम 3 या 4 नंबर का तो हमारा आएगा, वो रहता है हमारा गद्यांश आता है, ठीक है। गद्यांश को पढ़ के हमें उससे आंसर देना होता है, तो वो तो तैयार हो ही जाएगा आता अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सीटेट में जो एक पेपर बहुत लेंदी होता है, क्योंकि पेपर इसलिए लेंदी होता है जो क्वेश्चन होते हैं उनका जो फॉर्म होता है वो बहुत बड़ा होता है, पढ़ने में बहुत हमारा टाइम जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आए उसमें आपको क्या करना है, उसमें जिसका आंसर सबसे बड़ा हो उसके साथ जाना है, क्योंकि 99.9% ऐसा होता है वही आंसर हमारा सही होता है, ठीक है। और टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से करिएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और जब भी पेपर सॉल्व करें तो हमेशा, मैं पहले वीडियो में बताया इस बार भी बता रही हूँ, जैसे ही आपको पहला क्वेश्चन करना तुरंत अपने ओवलिंग सीट में उसको फिल करना है। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इस बात का खास ख्याल रखें। और पेपर सॉल्व करने का तरीका यही, सबसे लास्ट में मैथ करें, चाहे मैथ आपका कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं दूसरा वीडियो इसी पर बनाऊँगी। थैंक यू।